कोरोना की वजह से एक साल के लंबे इंतजार के बाद मेडिकल कॉलेज को देह दान प्राप्त हुआ है। माला फाटक आदर्श कॉलोनी निवासी 88 वर्षीय सिद्धि देवी देह दान को लेकर संकल्पबद्ध थी। परिजनों ने बताया 3 साल पहले संकल्प पत्र भरा था। वे लकवे के रोग से ग्रस्त थी। उनकी देह दान की इच्छा को मेडिकल कॉलेज के मानव संरचना विभागाध्यक्ष से संपर्क किया। डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल ने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की सलाह दी। सलाह के अनुसार परिजनों ने टेस्ट करवा दिया। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर देहदान संभव हुआ। नानी का संकल्प पूरा करवाने के लिए दोहिते ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। कुछ पिछले 5 दिन से नानी पैरालाइज थी, तो उनके पैरालाइज होने के बाद जब हमें लगा कि ये इस टाइम पे हमें सूचित करना चाहिए प्रशासन को, उस टाइम पे हमने मैम से कॉन्टेक्ट किया। मैम ने कहा कि हम लोग इस टाइम पे बॉडीज़ वगैरह हम लोग बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, और मैम ने कहा कि आप इनका आरटीपीसीआर ज़रूर करवा लीजिए। तो जिस दिन मैम ने कहा उसी दिन सुबह हम लोगों ने आरटीपीसीआर करवाया, और जहां पे हम लोग आरटीपीसीआर करवाने गए उन लोगों ने भी पूरा कोऑपरेट किया। एक नर्स स्टाफ घर पर आए, सैंपल लेकर गए, और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट भी शाम तक ईजीली आ गई। तो बहुत बड़ा हमें इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, प्रोसीजर इजी था हमारे लिए। उस टाइम पर समय निकालना थोड़ा मुश्किल था। सबसे बड़ा कारण इनके जहाँ पे जिस जगह ये निवासी हैं उसके पीछे ही एक कोई सोशल वर्कर थी, उन्होंने इन्हें मोटिवेट किया। जब भी हमारे घर पर थी तो इन्होंने हमसे कहा कि इन्हें ये करना है। डॉक्टर प्रतिमा जायसवाल ने बताया है कि विगत 1 साल से मेडिकल कॉलेज में कोई देहदान नहीं हुआ है। कोरोना संक्रमण के चलते कई देहदानी पीछे हट गए हैं। वहीं डॉक्टर प्रतिभा जायसवाल ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज में देहदान करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है। यदि टेस्ट करा हुआ है तो मेडिकल कॉलेज को देहदान लेने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। मेडिकल कॉलेज मानव संरचना विभाग या कंसल्टेंट चिकित्सकों के पास जाकर ही देहदान के लिए संकल्प पत्र भरा जा सकता है। मेडिकल कॉलेज के अलावा किसी और संस्था से संकल्प पत्र भरा है तो मान्य नहीं होगा। मृतदेह की आवश्यकता है, परंतु कोरोना के चलते हमें मृतदेह भी कम है। स्टूडेंट्स की भी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मृतदेह पर वो डिसेक्शन नहीं कर पा रहे थे, और अभी पिछले 10 दिन से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो फिर से हम डिसेक्शन वगैरह बच्चों को प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे। टोटल कितनी बॉडी? टोटल ये देहदान की हमें 36वीं बॉडी प्राप्त हुई है। करीब 1 साल बाद हमें मृत देह प्राप्त हुई है देहदानी की। देहदानी जो श्रीमती सिद्धिबाई पांडे थी, उनके नाती और नातिन ने बहुत इंटरेस्ट लिया, और उन्होंने मुझे करीब 2 दिन से कांटेक्ट करके उन्होंने इन्फॉर्म किया मुझे कि मेरी नानी जी ने देहदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और वो देहदान देना चाहती हैं। बहुत स्ट्रांगली उनकी विल थी। फिर मैंने उनको कहा कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट करवा लें, और बच्चों ने इंटरेस्ट लेके आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाया। देहदान भी कम प्राप्त हो रहे हैं, और अगर इस तरह से ये जागरूक जो जनता अगर होगी।